here with hundred most expected science question. So ये जो series थी कल से already start हो चुकी है जिसमें already आपने twenty 20... आउट ऑफ ट्वेंटी क्वेश्चन साइंस के ही आपने कल सॉल्व किए हैं और उसी फॉर्मेट में आज भी हम करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग कर everyone, करने से लाइक जरूर कर दीजिएगा सो so दैट कि आपके वो फ्रेंड्स जिनको अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जाया गया है वो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाए सो वंस अगेन वेरी गुड आफ्टरनून एवरी वन बॉबी ओमकार हिमांशु स्टैंड एंड यस

कल का जो पीडीएफ था मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है तो आप वहां से भी डायरेक्टली कल के पीडीएफ को देख सकते हैं ऑल्सो कल का जो सेशन है वो आपको लिंक मिल जाएगा हमारे वाई चैनल पर वहीं से आप कल वाला सेशन रिवाइज कर लेना जिन्होंने कल वाला सेशन नहीं अटेम्प्ट किया था ऑल राइट right? तो चलिए एक बार मुझे जल्दी से थम्स अप करके बता दो इफ यू ऑल आर रेडी फॉर टूडे सेशन कम ऑन क्विकली एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग थम्स अप करके मुझे बताइए अगर आज के सेशन के लिए आप लोग रेडी हो तो यस मोहम्मद जय हिंद दीपक जय हिंद मोनी मोनू सोलंकी हेलो रोहित कश्यप जय हिंद एवरी सो गाइस Here we हैव वन नोटिफिकेशन also आपके सीरियस डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए जो हमारा फाउंडेशन बैच है ट्वेंटी नाइन्थ में से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ये बैच और इस बैच के थ्रू आपको आपके सीरियस एग्जाम में पूछे जाने वाले वो सभी टॉपिक्स को डिटेल में करवाया जाएगा इतना ही नहीं साथ में जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसका आपका क्लियर एनालिसिस होगा आपको बताया जाएगा कि आपके साथ कितने कॉम्पिटिशन है और आप अभी कहाँ लाइक कर रहे हो इन सभी के साथ गाइज आपका जो भी हमारे नोट्स हैं, जो भी हमारे हैं, आपके साथ डे टू शेयर किए जाएंगे, सो दैट कि आपका जो रिविजन है वो भी प्रॉपर होता रहे तो सभी लोग एक बार जिनको भी अपनी सीरियस टू के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करना चलिए करते हैं आज का सेशन यस आई हिमांशु मोहम्मद रॉयल प्रियंका गोलू ब्लैक जय हिंद जय जय हिंद हिंद चलिए आई थिंक आज थोड़ा सा डिले पहले ही हो चुका है तो अब और डिले नहीं होगा आपका ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फॉलोइंग फीचर्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल देखो क्वेश्चन बहुत इजी है बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आंसर करना है सेल का क्वेश्चन है सेल अपने आप में ही एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चलिए बताइए इनमें से कौन सा वो फॉलोइंग फीचर्स है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सेलवॉल सेंट्रोजोम प्लास्टिड या फिर नन ऑफ द अबव? ऑल राइट सो आई हैव सीन सो मेनी ऑफ योर करेक्ट आंसर कल्पना हिमांशु लोहित ओमकार प्रियंका गोलू मोनू सब करेक्ट आंसर दे रहे हो एंड द करेक्ट आंसर हियर इज योर गाइस बी सेंट्रोजोम तो देखो अगर हम प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो यहीं पे आपको डिफ्रेंसिएशन मिलता है कि आपको प्लांट के सेल में वॉल मिल जाता है जबकि आपको ये एनिमल में नहीं मिलेगा प्लास्टिड भी आपको प्लांट के सेल में मिलता है बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन एनिमल सेल सेंट्रोजोम जो होते हैं ये आपके एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के ठीक ऊपर पाए जाते हैं आपके सेंट्रोजोम जो स्पिंडल फाइबर और सेल डिविजन बनाने में हेल्प करते हैं सेल को डिवाइड करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेंट्रोजोम का विच इज एबेंट इन योर प्लांट सेल क्लियर है सबको चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियशंस आर यूज टू कुक फूड आपको बताना है कौन सी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो खाना पकाने में मदद करती हैं इंफ्रा रेड रेडिएशन माइक्रोवेव इंफ्रा रेड एंड माइक्रोवेव ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सभी को क्वेश्चन विजिबल है येस विकास ऑल राइट फोर ब्लैक सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करो सभी फटाफट स्क्रीन में आंसर करो गाइज अब विकास पाल का ही सिर्फ करेक्ट आंसर आया है अभी तक मेरे पास ओनली आई हैव गॉट करेक्ट आंसर फ्रॉम विकास पाल गाइज एक बार सेशन को आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए सो देट की आपके वो फ्रेंड्स जो खाना खाके सो रहे हैं ना दो बजे वो भी आ जाए सिद्धार्थ वेरी गुड संगमित्रा वेरी नाइस वेरी नाइस सो अभी तक कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं बाकी सब कंफ्यूज हो रहे हैं ऑल राइट right, चलो ठीक है इससे पहले कि आप ज्यादा कंफ्यूज हो मैं आपको आंसर बता दू करेक्ट आंसर है यहाँ पे गाइज आपका इंफ्रा रेड एंड माइक्रोवेव रेडिएशन देखो इंफ्रा रेड और माइक्रोवेव रेडियेशन जो होते हैं ये दोनों ही रेडिएशन जो आपके यूज किए जाते हैं फूड को कुक करने के लिए हमारा जो माइक्रोवेव होता है उसमें भी आपका यही रेडिएशन यूज किया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो दोनों ही रेज आपके हेल्पफुल होते हैं इनको याद रखना इतना ही नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ और उनकी फ्रिक्वेंसी एनर्जी से क्वेश्चंस उनके एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आपको हर साल आ रहा है गाइस इसीलिए आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में मैंने इस क्वेश्चन को रखा है सो so दैट कि आपको याद रहे कि जब भी आपको रिवाइज करना है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टॉपिक को जरूर रिवाइज करना है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वॉट इज द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इन एयर जैसा कि मैंने आपसे कहा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो क्वेश्चंस इससे बैक टू बैक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अब मुझे बताओ यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ क्या होगी वॉयलेट लाइट की ये सभी रेंज आपको वैल्यूज याद रखने हैं और ध्यान देना ये यूनिट माइक्रोमीटर में है तो कंफ्यूज मत होना मैम हाउ टू गेट मॉर्निंग फ्री लाइव क्लासेस करुण यादव आपको उसके लिए हमारा जो एप्लीकेशन है ना बाइजूज एग्जाम प्रेप का वो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो ठीक है वहां से आप सी कैटेगरी जब सेलेक्ट करोगे तो उसमें आपको लाइव क्लासेस के अंदर जीके math, के मैथ साइंस का सेक्शन मिलेगा साइंस के सेक्शन में आप जाओगे तो आपको वहां पे लिंक्स मिल जाएंगी डायरेक्टली आप आ सकते हो हमारी क्लास में इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो वहां से भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी गाइस क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा है किस किस को क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा है सिर्फ हिमांशु को या सबको चलो बहुत अच्छे करेक्ट आंसर मुझे यहाँ पे दे दिया है प्रियंका ने प्रियांशी ने वेरी नाइस वेरी नाइस सो गाइस देखो सीधा क्वेश्चन आपको सीधा वैल्यू वाला क्वेश्चन पूछा था कि आप वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ कितनी होगी तो दैट इज योर पॉइंट फोर माइक्रोमीटर अगर आप नैनोमीटर में इसकी वैल्यू देखोगे तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली फोर से थ्री 390... यस yes. 455 से गाइस 390 नैनोमीटर वैल्यू होती है और आपको जो यूनिट पूछा था वो माइक्रोमीटर में पूछा था तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली द करेक्ट वेवलेंथ ऑफ योर वॉयलेट लाइट ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओके okay, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया लेकिन फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल है फिजिक्स का है काफी इंपॉर्टेंट है द टाइम लैप्स बिटवीन लाइटनिंग फ्लैश एंड हिरिंग दंडर ऑफ अ क्लाउड इज टेन सेकेंड ठीक है जब बिजली चमकती है और चमकने के बाद जब उसकी आवाज गड़गड़ाहट आपको कान में सुनाई देती है तो दैट इज टेन सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन होता है इफ द स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट इन एयर इज थ्री हंड्रेड थर्टी एंड थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर सेकेंड आपको बताना है कि वो जो थंडर है वो जो स्ट्रोम है वो आपसे कितना दूर है यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन है आपको डिस्टेंस पूछा हुआ है यहां पे। ऑल राइट चलिए बताइए सारे वैल्यूज गिवन हैं। प्रियांशी सबसे पहले आंसर दिया है यहां पे। वेरी गुड प्रियांशी है ना अब ऑलमोस्ट अब सबने करेक्ट आंसर दे ही दिया है करेक्ट आंसर गाइज यहां पे आपका बी ही होने वाला है ठीक है अबाउट थ्री हंड्रेड थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड मीटर कौन सा फॉर्मूला लगाया सिंपल वही लगाया होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम राइट अगर अब आप यहां से आपको डिस्टेंस पूछ रहा है तो स्पीड इज इन टू टाइम हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है थ्री हंड्रेड थर्टी मीटर राइट right. टाइम दिया है टेन सेकेंड सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन देखो सीधा फॉर्मूला था बस इसको इतना बढ़ा दिया था ना कि आपको लग रहा होगा कि भाई पता नहीं क्या क्वेश्चन है और स्किप कर दे स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो गे. है ना हो गया सबसे ये क्वेश्चन चलिए जी हांजी जी रॉयल क्वेश्चन आपको एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पूछा जाएगा ऑल right. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैवी वाटर एंड अटोमिक रिएक्टर इज एटोमिक रिएक्टर ठीक है उसमें जो हैवी वाटर यूज होता है वो क्या है एक्चुअली बताइए फटाफट हैवी वाटर क्या है एक्चुअली क्या ये एक डीआईनाइज वाटर है क्या ये ऑक्साइड है सेशंस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे चलिए देखो यहां पे करेक्ट आंसर जो मुझे दिया है ना हिमांशु ने दिया है पवित्रा ने दिया है गोलू तिवारी ने दिया है रमेश ने दिया है अनीता ने दिया है सिद्धांत ने दिया है करेक्ट आंसर गाइस यहां पे आपका होने वाला है डी एनऑक्साइड ऑफ हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन अगर हम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो वी हैव अ थ्री आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कौन कौन से आइसोटोप होते हैं प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम राइट right? प्रोटियम की बात करें तो ये जो है आपका गाइज यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर मास भी होता है ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर भी वन होगा और मास यहाँ पे टू होगा और ट्राइटियम का भी वन एटॉमिक नंबर थ्री अब यहाँ पे ये जो ड्यूटेरियम होते हैं यही ऑक्सीजन के साथ मिल करके हैवी वाटर बनाते हैं हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में ये जो हैवी वाटर है ये एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन ठीक है तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि एक्चुअली इस हैवी वाटर का यूज क्या है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में ठीक है सभी को क्लियर हो गया हैवी वाटर क्या है इट इज एन ऑक्साइड ऑफ हैवियर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन यहीं पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा वो आइसोटोप है जिसके पास रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टी होती है चलिए जल्दी से बताइए मुझे विच हैव अ रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी फटाफट सभी से मुझे चैट में आंसर चाहिए सिर्फ इन्हीं तीनों में से बताना है वेरी नाइस इट्स अ ट्राइटियम गाइज हाइड्रोजन के सिर्फ ट्राइटियम आइसोटोप के पास होती है रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी ऑल राइट वेरी गुड वेरी गुड जेलेंस की वेरी नाइस चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेकिंग पाउडर इज नॉट करेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है है ना थोड़ा लॉजिक लगाना और कर जाओगे बताओ यहां पे बेकिंग पाउडर ठीक है बेकिंग पाउडर के लिए गलत स्टेटमेंट कौन सी है क्वेश्चंस हो पा रहे हैं सभी से देखो जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये सारी चीजें उनका तो बराबर रिवीजन हो रहा होगा जिन्होंने अभी नहीं शुरू किया है आप देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सो so दैट जैसे ही आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करना इस इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर देना चलिए मुझे करेक्ट आंसर मिल चुका है यहां पे पवित्रा का बॉबी प्रियांशी मोनू वीर एंड ए फोर ब्लैक क्या बात है भाई सब दे रहे हो करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा डी इट डज नॉट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट अरे भाई हमारा बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट ही तो है ना क्या है सोडियम बाई कार्बोनेट एन यही तो है ना सोडियम बाई और ऑप्शन क्या कह रहा है इट डज नॉट कंटेन सोडियम बाई तो ये यहीं से आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ लीव देखो क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन हमेशा आपको इसमें कंफ्यूजन हो ही जाता है और कई बार हम गलत भी कर देते हैं बताइए इनमें से हमारी पत्तियों का पार्ट कौन सा है लैमिना पेटियोल पिस्टल या फिर वेन्स कोड्स आपको दिए हुए हैं तो कोड्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना आ, देखती हूँ मैं कि इसका आंसर सबसे पहले कौन करेक्ट देता है ठीक है लैमिना पैथियोल पिस्टल और वेन्स में आपकी पत्तियों का पार्ट कौन सा है क्या बात है प्रियंका करेक्ट दिया आपने जामिल सिद्धार्थ वेरी नाइस वेरी नाइस बॉबी गलत हो गया हिमांशु गलत हो गया अच्छा जिनका गलत हो रहा है उनका नहीं बोलना है मुझे सिर्फ करेक्ट वालों का बोलना है जेलेंसकी अंजलि ऑल राइट दिवाकर रॉयल मोनू वेरी गुड देखो गाइज यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट इज योर डी लैमिना, पेटियोल और वेन्स ये तीनों आपके पत्तियों के स्ट्रक्चर हैं। आपसे क्या पूछा है प्लांट का पार्ट नहीं पूछा है पिस्टल क्या है पिस्टल आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ठीक है ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जबकि लैमिना पेटियोल और वेन्स ये सभी आपके ये देखो ये स्ट्रक्चर है लीफ का यहां से आपको सीधा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये सब है कहा आपकी लीफ की टिप होती है गाइज ठीक है दिस इज द टिप ऑफ द लीफ ये जो बीच में आपको जा रहा होता है ना काफी मोटा सा आपने देखा होगा पत्तियों में दैट इज नोन एज मिड रिब और ये जो कॉर्नर होता है ये जो किनारा होता है इसको बोला जाता है मार्जिन वेयर एज ये जो पूरी पत्ती का बेस होता है इसको हम लोग लैमिना कहते हैं एंड ये जो यहाँ से ऐसे ऐसे निकले होते हैं ना आपकी पत्तियों में दिस इज नोन एज वेन और ये जो डंडी होती है स्टेम से और लीफ के बीच में जो डंडी कनेक्टेड होती है ना इसी को बोलते हैं पेटियोल तो ये याद रखना फिगर ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में दूसरे तरीके से ठीक है हो गया रोहन महाले गुड आफ्टरनून चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलॉय बेल मेटल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सीरियस और सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हो और आपको एलॉयज से क्वेश्चन ना आए ठीक है एग्जामिनर एक बार अपना नाम भूल सकते हैं लेकिन एलॉयज से ओर्स से केमिकल कंपाउंड से क्वेश्चन देना नहीं भूलेंगे ठीक है बेकिंग पाउडर क्वेश्चन वाज आस्किंग ऑल राइट मैम वीडियो अटक रही है पवित्र मे बी थोड़ा सा ना नेटवर्क इश्यू होगा एक बार रीजॉइन कर लो बेल मेटल का कांस्टिट्यूंट क्या होगा भाई कॉन्स्टिट्यूएंट देखो करेक्ट आंसर मुझे जैमिल चौधरी ने दिया है वेरी गुड जैमिल सिद्धांत वेरी नाइस अनीता वेरी गुड वेरी गुड गाइज ये सभी एल सिर्फ बेल मेटल ही नहीं बेल मेटल के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एल हैं आपको उनका ना कॉन्स्टिटेंट याद रखना पड़ेगा कंपोजिशन याद रखना पड़ेगा अगर हम बेल मेटल की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी होगा दैट इज कॉपर एंड टिन बेसिकली बेल मेटल का यूज़ किया जाता है बेल्स और बाकी के अदर जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं ना वो बनाने में इनका यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट बनाने में आपको इसी तरह इनके सिर्फ बेल मेटल ही नहीं ब्रास ब्रॉन्ज एंड आपके जर्मन जो भी हमारे फर्दर एलॉयज हैं उन सब के कम्पोजिशन याद करके जाना लिस्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है मैं वापस से शेयर कर दूंगी लेकिन आपको वो पहले याद करना पड़ेगा ठीक है मैम देर इज वीडियो लैग गाई ये सभी को वीडियो की प्रॉब्लम हो रही है क्या वीडियो सभी की प्रॉब्लम हो रही है मैम वीडियो अटक रही है एक बार रिफ्रेश कर लो सभी लोग एक बार रिफ्रेश कर लो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार रिफ्रेश कर लो मैम आज सच में लैग हो रहा है सच में लैग हो रहा है का क्या मतलब है यार मतलब रोज तुम लोग ऐ भी बोलते हो मेरे से कि मैम आवाज नहीं आ रही चलिए हाँ गाइज देखो जिनको भी लैग हो रहा है ना बस एक बार रिफ्रेश कर लो या रिस्टार्ट कर लो हो जाएगा क्लियर ठीक है आज वॉइस क्लियर है ना वेरी गुड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ पिस्टल अब बताइए यहाँ पे गाइज पिस्टल का पार्ट्स क्या क्या होगा अब क्लियर है चलो शुक्र है है ना ऑल राइट ये ये वो वाली सिचुएशन होती है ना जब हम पहले यू नो you know, जब इन्वर्टर वगैरह भी नहीं हुआ करता था लाइट जाती थी और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था पढ़ने का हम बड़े खुश हो जाते थे अरे वाह लाइट चली गई पढ़ाई बंद वैसे ही अब के टाइम पे क्या है ना नेटवर्क गया अरे वाह अब पढ़ाई बंद है ना चलिए बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ पिस्टल ऑप्शंस uh, गाइस पे मुझे ऐसा लग रहा है ना ये यहाँ पे डी पे ना एक और ऑप्शन ऐड कर लो टू एंड थ्री ठीक है अब आंसर करो सभी डी पे एक और ऑप्शन ऐड कर लो वन टू एंड थ्री अब बताओ आंसर क्या होगा करेक्ट करेक्ट जेलेंस की करेक्ट हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन एरर था मैंने उसको ठीक कर दिया देखो अब करेक्ट आंसर आ रहे हैं पवित्रा करेक्ट आंसर है आपका दीपा करेक्ट नहीं है ओमकार का करेक्ट है गाइस देखो अगर हम बात करें पिस्टल की तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर आपके पिस्टल के हैं चाहे वो स्टिग्मा हो स्टाइल हो या फिर ओवरी हो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी पिस्टल होती है गाइज ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है जिसको कि हम कार्पल भी कहते हैं राइट और इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ये आपकी पूरी पिस्टल का स्ट्रक्चर है जिसके स्टिग्मा जो है वो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है स्टिग्मा एक स्टिकी सरफेस होती है ठीक है अगर आप स्टिग्मा का सरफेस देखोगे ना तो ये जो टिप वाला सरफेस है ये ऊपर वाला ये कैसा होता है ये स्टिकी होता है स्टिकी मतलब चिपचिपा क्यों चिपचिपा होता है ये क्योंकि इसी पे पॉलन ग्रेन ने आकर के चिपकना है ठीक है तो ये आपका ओवर ऊपर वा, वाला स्टिग्मा चिपचिपा होता है स्टाइल एक पाइप का, का काम करती है सपोर्ट का, का काम करती है जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करते हैं इसी ओवरी के अंदर आपको मिलते हैं ओव्यूल्स राइट right? और अगर आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तो ओव्यूल के अंदर आपको मिलेगा एग सेल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है फर्टिलाइजेशन के दौरान और आपको मिलते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई तो ये चीज याद रखना इसके अलावा पोल सेल्स सेल्स मिलते हैं बट ये इतना याद रखना है कि एक से एक एक्सेल और दो पोलर न्यूक्लियाई मिलता है आपको ओव्यूल के अंदर ठीक है स्ट्रक्चर क्लियर है सभी को जेलें मैम मैं, मैं दीपराज हूं तो दीपराज आपने अपना नाम इतना लंबा चौड़ा क्यों रखा है वेरी गुड वेरी गुड पवित्रा चलिए अगले क्वेश्चन पर आते गाइज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेजर्ट प्लांट क्वेश्चन देखो बहुत ईजी है, है ना? लेकिन कंफ्यूज हो गए सब कंफ्यूज हो गए एक बार पढ़ो स्टेटमेंट द लीफ ऑफ अ कैक्टस इज कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेर सेकेंड कह रहा है फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट इज यूजली कैरिड आउट बाई द स्टेम अब बताइए है ना ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये आप सबको कंफ्यूज करने वाला है यस रोहन ऑल राइट हो रहा है क्या बात है पवित्रा ने आज एकदम करेक्ट आंसर दे दिया संगमित्रा का भी करेक्ट आंसर आ गया है मेरे पास अदर्स ऑल राइट दीपराज कहा था ना सब कंफ्यूज हो गए ये ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है प्रियंका करेक्ट है रमेश तुलावी करेक्ट आंसर दिया है आपने गोलू तिवारी वेरी गुड देखो अगर हम यहां पे करेक्ट आंसर की बात करें ऑल राइट तो द आंसर शुड बी बी अब आप कहोगे मैम कैसे भाई एक बात बताओ कैक्टस में पत्तियां देखी है आपने कभी कैक्टस में पत्तियां देखी है अच्छा चलो ये बताओ मुझे कि जो हमारे डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं ठीक है जो हमारे डेजर्ट्स में प्लांट होते हैं ना उनमें अगर पत्तियां होने लग गई तो पत्तियां क्या करती हैं ट्रांसपीरेशन करेंगी है ना वाटर का लॉस करेंगी बेचारे डेजर्ट वालों के पास तो वैसे ही पानी नहीं है जो बचा खुचा पानी वो किसी तरह स्टोर करके रखते हैं अगर वो पत्तियां निकालने लगे तो उसमें से वो पानी भी निकलना शुरू हो जाएगा ठीक है तो उनके पास कोई पानी नहीं बचेगा तो इसीलिए या तो उन पौधों जो डेजर्ट में पौधे होते हैं या तो उनके पास पत्तियां होती ही नहीं है अगर होती भी हैं तो वो बहुत छोटी होती हैं या फिर स्पाइंस के फॉर्म में होती हैं के फॉर्म में होती हैं राइट right? तो ये वाला स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गया कि लीफ ऑफ कैक्टस कवर्ड विद थिक वैक्सी लेयर दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि डेजर्ट प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो मोस्टली स्टेम में ही होते हैं अब अगर हम कैक्टस की बात करें तो ये जो आपको दिखता है कैक्टस ये एक्चुअली स्टेम ही होता है ठीक है जिनके ऊपर कांटेदार पत्तियां निकली होती हैं सबको समझ में आ गया अब ये क्या क्वेश्चन था क्यों गलत हो गया आप सभी का चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस आगे बढ़ने से पहले कंप्लीट साइंस प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी का वीडियो ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहां पे आपको कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहां पर आपको वो सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी जो आपको सी डी टू ट्वेंटी के लिए हेल्प करेंगी तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना आप सब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चलिए बताइए का का क्या होगा? Butane, hexane, benzene, methane. ये तो I think, आज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है है ना लेकिन चाहे आपका नेचुरल गैस हो चाहे आपके यू नो बायोफ्यूएल्स हो इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक्स को आप बराबर पढ़ के जाना भाई फटाफट आंसर दो इसमें देर किस बात की मतलब कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होता है ना जो उसमें चैट में आंसर ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ा आने चाहिए यस yes, ये हुई ना बात बहुत अच्छे करेक्ट आंसर है आपका डी मीथेन सी एच फोर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन भी इनको कहा जाता है क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है तो मीथेन है जो आपके नेचुरल गैस में यूज होते हैं एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट ओके गाइज एक स्टेटमेंट दिया हुआ है अ सोल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट टेबल सॉल्ट मतलब जो नमक आपके घर में होता है ठीक है अ सोल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वॉटर इज होमोजीनियस दूसरा कह रहा है अ सोल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस बताइए यस क्या लग रहा है करेक्ट आंसर ये बस एनडीए की क्लास में होता है ऑल राइट रोहन भाई देखो क्वेश्चन है ना आपको सभी थौरों करके जाना है जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प होगा उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एंड मुझे सिद्धार्थ ने करेक्ट आंसर दिया है सबसे पहले जामिल चौधरी ने करेक्ट दिया है देन रोहन ने करेक्ट दिया है वेरी गुड संग मित्रा वेरी नाइस ऑल राइट ओमकार ऑल राइट वेरी गुड सो गाइज देखिए पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा होगा, वो डेफिनेटली बी यानी ए ट्रू एंड आर फॉल्स। होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है होमोजेनियस एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें आपको एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलता है एक यूनिफॉर्मिटी मिलती है यूनिफॉर्मिटी का मतलब जैसे मान लो आपने पानी में चीनी मिला दिया या फिर आपने पानी में नमक मिला दिया घुलने के बाद वो एक यूनिफॉर्मिटी आपको दिखाते हैं आपको एक क्लियर सोल्यूशन मिल जाता है दैट इज द होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो ये टेबल सॉल्ट तो करेक्ट है सेकेंड कह रहा है कि अगर डिफरेंट कंपोजिशंस होंगे और तो भी आपका सोल्यूशन होमोजीनियस है ये गलत है अगर डिफरेंट कंपोजिशंस होंगे जैसे मान लो आपने पानी में ऑयल मिला दिया आपने पानी में ठीक है वाटर और ऑयल है तो अब ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे ये डिफरेंट कंपोजिशन है तो यहां पे आपको जो सोल्यूशन मिलेगा दैट इज नॉट होमोजीनियस दैट इज योर हेट्रोजीनियस सोल्यूशन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ दैमल्स लेज एग अब आप कहोगे मैम मैमल्स तो अंडे नहीं देते हैं ना मैमल्स तो सीधे यंग मन देते हैं लेकिन एक्सेप्शन तो होता ही है हर जगह है ना तो अब बताइए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लेज एग्स हेज़हॉग लोरेस एकेडना या फिर कैंगू यस एफ ब्लैक देखो गाइज एक बार सेशन को ना शेयर भी कर दो सभी लोग और ये जो क्वेश्चंस आप यहाँ सॉल्व कर रहे हो आपको सभी डिफेंस एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं तो कृपया करके सारे क्वेश्चंस को नोट भी कर लेना ठीक है और इनको रिवाइज करते रहना चलिए भाई मयूर को एक्सेप्शन पता है ए फोर ब्लैक को पता है आज ए फोर ब्लैक बहुत खुश है ना हर आंसर के साथ एक स्माइली भेज रहे भले वो बिल्ली की चेहरा क्यों ना हो बट दे जरूर रहे, वेरी गुड सी रमेश आदिति रोहन वेरी गुड जामिल वेरी गुड गाइस यहाँ करेक्ट आंसर डेफिनेटली आपका एकिडना होगा मैमल्स जनरली डायरेक्ट यंग वन को बर्थ करते हैं बट हियर वी हैव सम एक्सेप्शंस लाइक एक्डना एंड प्लेटिपस ठीक है तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज योर एक्डना ठीक है ये आपके एक्डना है जो मैमल्स होते हुए भी अंडे देते हैं और ये आपके प्लेटिपस हैं जो मैमल्स होते हुए भी एग देते हैं तो दीज आर द आप कह सकते हो एक्सेप्शन है मैमल्स के अंदर तो इनको याद रखना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में Which one of the following statement is not correct? statement Which one is not correct? Graphite is a good conductor of electricity and heat. Graphite may each carbon is linked to four other carbon atom by covalent bond in tetrahedral fashion. Graphite can be converted to diamond by high pressure and temperature. Graphite is used as a dry lubricant. ऑल राइट right. गलत स्टेटमेंट बताना है भाई ध्यान से नॉट करेक्ट बताना है नॉट करेक्ट बहुत कम आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना होता है अच्छा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर अब मुझे दिया है ना सबसे पहले वो बॉबी ने दिया है वेरी गुड बॉबी कल्पना वेरी नाइस कल्पना देखो बॉबी एंड कल्पना ने तो मुझे करेक्ट आंसर दे दिया है राइट right? बाकी सब कंफ्यूज हो रहे हैं चलो इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज हो गलत आंसर दो मेरा चैट बॉक्स हैंग कर जाए सेशन बंद हो जाए इससे पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ करेक्ट वन इज योर बी गाइस ग्रेफाइट में हमारे जो कार्बन होते हैं वन कार्बन लिंक्ड विथ थ्री डिफरेंट कार्बन ठीक है याद रखना कि ग्रेफाइट के केस में एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा होता है और जो इसका एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये फ्री रहता है इसी तरह सभी कार्बन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे आपको सभी कार्बन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे और यही वो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं आपके ग्रेफाइट में और डायमंड के केस में कार्बन जो है चार अदर कार्बन से जुड़ा होता है अगर यही डायमंड होता तो यहाँ पे आपका एक कार्बन फोर डिफरेंट कार्बन से बाउंडेड होता ठीक है और सिंस के यहाँ पे कार्बन के पास कोई फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है इसीलिए डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है अब जिन्होंने इसका आंसर करेक्ट दिया है वो शाबाशी ले लो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी था और जिन्होंने गलत किया है ना सब लोग अपना सिर ऐसे कर लो एक बार कि भाई इतना इजी क्वेश्चन क्यों गलत कर दिया मैंने ठीक है बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाई वायरसेस भाई साइंस का क्वेश्चन हो और डिजीज़ ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, है ना बीमारियां तो हर रोज़ कहीं ना कहीं दिखी जाती हैं कोई ना कोई बीमार दिखी जाता है तो हमारे क्वेश्चन में भी इनका पूरा सहयोग है और एग्जामिनर को भी फेवरेट है हमेशा एक ना एक बीमारियों से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देते ही हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं बताइए कौन सी वो बीमारी है जो वायरस कॉज करता है टाइफाइड, टाइडू एंड हिपेटाइटिस ने करेक्ट आंसर दे दिया प्रियांशी जैमिल ऑल राइट दीपराज हम्म कल्पना का भी करेक्ट आंसर भाई सभी लोग क्यों नहीं दे रहे हो आंसर कुछ ही लोग आंसर दे रहे हो बस सब लोग आंसर करो फिर मजा आएगा ना गलत आ रहा है गलत ही दे दो कौन सा मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि चलो आओ हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाओ है ना गलत आंसर है तो चलिए बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर गाइज यहाँ पे आपका है बी थ्री एंड फोर देखो यहाँ पे डेंगू और हिपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो डेंगू कॉज करता है डेंगू वायरस एंड हेपेटाइटिस कॉज करेगा हेपेटाइटिस बी वायरस राइट right? ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है आपका बैक्टीरिया जिसका नाम है माइक्रो बैक्टेरियम ट्यूबो तो ये आपकी एक बैक्टीरियल डिजीज है टाइफाइड की बात करें तो फर्दर टाइफाइड भी आपका बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी ठीक है साल्मोनेला टाइफी कॉज करते हैं आपके टाइफाइड विच इज अ बैक्टीरिया ओनली क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका डैश इज असाइल एनिमल ओके से रिलाईज अपॉन द रिलेशनशिप विथ प्लांट्स लाइक एल्गीज एंड बिल्ड द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑन अर्थ बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर मैमल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड कोरल्स ओके okay. ध्यान से पढ़ो ये एक सेसाइल एनिमल है मतलब एक ऐसा एनिमल है जो चल फिर नहीं सकता है सेसाइल का मतलब क्या होता है जो चल फिर नहीं सकते ठीक है रिलाइज अपॉन इट्स रिलेशनशिप विद प्लांट्स वो एल्गी के साथ रिलेशनशिप बनाए होते हैं एंड हमारे अर्थ पे ये काफी बड़े स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं करेक्ट आंसर दिया है भाई सभी ने रोहन रॉयल संगमित्रा दीपा तुषार मोनू प्रतिभा तुषार ऑलराइट राइट right, हिमांशु ब्रह्मलाल ब्रह्मलाल आपका गलत हो गया है एक बार चेक करो कल्पना चेक करो रमेश करेक्ट है गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है डी कोरल्स राइट तो अगर आप देखो तो कोरल्स जो होते हैं आपके समुद्र के अंदर जो पाए जाते हैं कोरल्स राइट सेसाइल वन एंड दे फॉर्मड ये जो आपके निडेरियंस फाइलम में आते जो हमारा हाइड्रा वाला फाइलम था ना उस वाले उस वाले फाइलम के ये पार्ट होते आपके ऑर्गेनिज्म है कोरल जिसका कर, सीधा सीधा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है आपकी एलगीज के साथ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड यूज फॉर ट्रीटिंग इन डाइजेशन तो बताइए इन डाइजेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज होता है अब देखो अगर हम इनडाइजेशन की बात करें तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज तीन चार बार कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट किया ही किया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मर्क्यूरस और फिर गैलियम हाइड्रोक्साइड विच वन इज यूज एज अ इनडाइजेशन मतलब आपको अगर दाए, इनडाइजेशन हो रहा है ना तो आपको ये खा करके आपका स्टमक ठीक ठाक हो जाएगा गाइस कोड्स क्लियर हैं सभी को कोड सभी को दिख रहे हैं यहाँ पे ए में है वन बी में है टू एंड फोर सी में है वन एंड टू डी में है टू एंड थ्री ठीक है मुझे करेक्ट आंसर पवित्रा का दिख रहा है यहाँ पे वेरी गुड पवित्रा अदर्स राइट वेरी नाइस वेरी नाइस पवित्रा चलिए गाइस यहां पे करेक्ट आंसर आपका डेफिनेटली सी है वन एंड टू ठीक है देखो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों ही आपके इन डाइजेशन में यूज किए जाते हैं इन डाइजेशन का मतलब क्या हुआ जब हमारे स्टमक में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है एसिड कौन सी एच ठीक है तो हमें जब एसिडिटी फील होती है तो इन दैट केस ये जो बेस है हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों को ही एंटा एसिड्स भी कहा जाता है तो कभी कभी एग्जाम में आपको सीधा एंटा एसिड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दे आर एंटा हेल्प्स इन ट्रीटिंग इनडाइजेशन ठीक है हाँ वीक बेस माइल्ड बेस भी होते हैं ये बिफोर एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द स्टमक पेशेंट्स आर गिवन सुटेबल सोल्ट ऑफ बेरियम इसी टाइप का एक क्वेश्चन इस बार भी आपके आई थिंक सीरियस में पूछा हुआ है सीरियस वन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में आपको बताना है कि बेरियम के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जब हम एक्सरे करते हैं ना तो उसके पहले हम लोग पेशेंट को बेरियम का सोल्यूशन देते बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन देते क्या क्या रीजन है उसका अनीता ऑल राइट right. बेरियम सॉल्ट एक वाइट कलर का कंपाउंड है स्टमक को हेल्प करता है क्लियरली दिखने में या फिर बेरियम एक गुड एब्जॉर्बर है एक्सरेज़ का हेल्प इन द स्टमक टू अपीयर क्लियरली इजीली अवेलेबल है अलाउज एक्सरे टू पास थ्रू द स्टमक ऑल राइट right, बहुत सही करेक्ट आंसर आप सबने दे दिया है यहाँ पे इसके लिए कोई डाउट ही नहीं है गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी होगा बेरियम इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरे तो जब भी एक्सरे होता है अगर बेरियम सल्फेट आपके स्टमक में रहता है बेरियम सल्फेट उसको एब्जॉर्ब करता है सो so दैट कि स्टमक के अंदर का जो भी एरिया है ना वो सब आपको क्लियरली दिखने लग जाता है तो इसको याद रख लेना कि एक्सरे के लिए हम बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन यूज करते हैं ठीक है, है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्यूलोज इज करेक्ट सेल्यूलोज याद करो पहले सेल्यूलोज कहां, कहां पढ़ा है आपने और फिर आंसर करना देखो जिन्होंने ऑलरेडी हमारी क्लासेस कर रखी है वो तो भाई कर ही जाएंगे है ना जो 11 बजे सुबह वाला क्लास कर रहे होंगे उनको तो ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा बताइए एक बार जिन्होंने नहीं किया है आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेना गाइज सेल्यूलोज के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है चाहो तो एलिमिनेट भी कर सकते हो बहुत इजी क्वेश्चन है देखिए बहुत अच्छे करेक्ट आंसर मुझे करुण यादव ने दिया है तुषार पवित्रा देन संगमित्रा प्रिया यादव रॉयल शिवाराम। वेरी गुड गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पे डेफिनेटली आपका सी है सेल्यूलोज जो है ये एक मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है प्लांट के सेल वॉल का ठीक है अगर हम बात करें तो ये एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है ब्रांच्ड नहीं होता है अब आप कहोगे मैम तो सेकेंड क्यों गलत हो गया क्योंकि इसमें स्ट्रेट और ब्रांच्ड दोनों बोल दिया है तो सेल्यूलोज एक स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज होता है जो कि हेल्प जिससे कि हमारे प्लांट के वॉल का कंस्टिट्यूएंट बना होता है ठीक है फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है इनके एप्लीकेशन इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग एलिमेंट की क्या क्या यूजेज है इन सबसे क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट एलिमेंट सॉफ्ट है प्योर है इमप्योर है हार्ड है कैसा होता है आपका एलिमेंट आ रहा है आंसर हाँ बिल्कुल पवित्र फंगस का काइटीन का बना होता है मोनू करुणा वेरी गुड वेरी गुड मोनू करुणा वेरी गुड सचिन तुषार सिद्धांत कल्पना जामिल वेरी नाइस एवरीवन गाइस हमारा जो एलिमेंट होता है ना ये एक प्योर सब्सटेंस होता है एलिमेंट और कंपाउंड ये आपके प्योर होते हैं जबकि हमारा जो मिक्सचर होता है दैट इज नॉट कम्स अंडर द प्योर क्योंकि मिक्सचर बना होता है मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स जबकि एलिमेंट्स की अगर हम बात करें और कंपाउंड्स की बात करें तो यहां पे आपको प्योरिटी मिलती है कंपाउंड और एलिमेंट की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती है ठीक है चलिए So, that's all for today, guys. ये हमारी फ्री सीरीज है शेरशाह फ्री सीरीज फॉर सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यहाँ पे आपको साइंस मैथ्स इंग्लिश जी के सभी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है अगर मैं आपको साइंस की क्लासेस की बात करूं तो ये आपको गाइस सुबह ग्यारह बजे मिलेगी राइट इलेवन ए एम और इसके लिए आप डायरेक्ट हमारे चैनल हमारे ऐप पे डाउनलोड कर सकते हो और आपको लिंक भी इसकी मिल जाएगी मीन वाइल आप सभी मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम

भूलना नहीं है इनको रिवाइज करते रहना है विद दिस गाइज थैंक यू एवरी